नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विकास भवन में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में सुचारू रूप से हो रही है, जिसमें विभिन्न समस्याओं का निस्तारण सुचारू रूप से किया जा रहा है। यहाँ जो समस्याएं हैं मूलतः जन सुनवाई से संबंधित हैं। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनसे सूचना से संबंधित है RTI से, और वो अपील के रूप में जो यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं उनकी सुनवाई हो रही है और उसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार, जहां एक ओर पहले दिन से ही जीरो टोल लेंस की माला जप रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरातल में हालात कुछ और ही नजर आते हैं। वहीं प्रदेश में अवैध खनन शासन प्रशासन के नाक तले लगातार बरकरार है। वहीं राजधानी देहरादून के पचवादून से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह विधानसभा क्षेत्र तक प्रशासन को ठेंगा दिखाकर अवैध खनन का गोरख धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में SID टीम बनाकर माइनिंग सेल्स का गठन किया गया था, जिसके द्वारा समय समय पर अवैध खनन पर कार्रवाई की जाती रही है जिसके चलते कुछ हद तक खनन माफियाओं में भय बना रहता था। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने जीरो टॉलरेंस का दावा पेश कर उन माइनिंग सेल्स को भी खत्म कर दिया है। अवैध खनन से जहां एक तरफ राजस्व को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के टॉलरेंस की नीति, वहीं रात भर पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का गोरख धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा धरातल पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। सहारनपुर में हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारियों ने पेंशनर की मौलिक समस्याओं को प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में लाने के लिए जनपद के कर्मचारी एवं पेंशनर प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर धरना स्थल पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया।